कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के बीच उद्योगपति राजीव बजाज से कई मसलों पर बात की। लॉकडाउन होने के कारण देश में रोजगार का संकट पैदा हुआ है, इस मसले पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल करार दिया और कहा कि जब तक ऊपर से नीचे ऑर्डर होते रहेंगे तब तक स्थिति मुश्किल की बनी रहेगी। राजीव बजाज के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना संकट आया तो हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गंभीर चर्चा की थी। राहुल गांधी बोले कि हमारी चर्चा हुई थी कि राज्यों को ताकत देनी चाहिए और केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। केंद्र को रेल फ्लाइट पर काम करना चाहिए था, लेकिन सीएम और डीएम को जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन फेल है और अब केस आगे बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार पीछे हट रही है और कह रही है कि राज्य संभाल लें। भारत ने 2 महीने का पॉज बटन दबाया और अब वो कदम उठा रहा है जो पहले दिन लेना चाहिए था। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं दे रही। राजनीति को भूलिए, लेकिन इस वक्त लोगों को पैसा देने की जरूरत है। राजनीतिक जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।